हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम लोग ब्रीदिंग देखेंगे, मतलब रेस्पिरेशन चैप्टर सेकंड पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आपको ये पता है कि बॉडी के लिए जो एनर्जी का रिसोर्स है ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है ये हमारी बॉडी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। एक्चुअली रियल रेस्पिरेशन वही है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी का फॉर्मेशन हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन है। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर बॉडी में कहीं रिपेयरिंग काम है तो वो काम होता है। बहुत सारे बॉडी के जो एनर्जी ओरिएंटेड वर्क हैं वो सारे काम बॉडी में होते हैं। आइए देखा जाए रेस्पिरेशन है क्या। तो अगर आप रेस्पिरेशन की मीनिंग समझें तो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लगभग 5 स्टेप में पूरी होती है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक जो है डिफिनीशन देना चाहें तो ये ले सकते हैं। भाई देखिए, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ ये देखिए एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी का मीनिंग यहाँ पर एटीपी से है। मतलब अगर आप इसको ये बात ऐसे समझें कि ये है ग्लूकोज जिसका ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में, और बनता क्या है अगर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी के रूप में एटीपी बनती है। अगर हम आपसे पूछें कि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, आप कहेंगे सर ये प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो अगर फूड का सेंस यहाँ किससे है, यहाँ फूड का सेंस ग्लूकोज से है। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन रही है, तो इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में टूटता है, इसलिए इस प्रोसेस को, मतलब रेस्पिरेशन को, हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस कह सकते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ पर रिएक्शन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स में ऑक्सीजन का यूज होता है, और ऑक्सीजन जब कंज्यूम होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमको सेल्स को बार बार ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने पर सेल जो है CO2 का प्रोडक्शन करेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में होता है, लेकिन ह्यूमन में मसल सेल एक ऐसी सेल है, अगर आप समझें कि मसल सेल एक ऐसी सेल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन करती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो आपको पता होगा कि हमारी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये लैक्टिक एसिड अगर बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है तो हमें फैटिक हो जाती है, मसल्स में अगर डिपॉजिट हो जाती है। तो जो फूड है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी और ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, आप कहेंगे सर ये जो लिखा हुआ ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो साइट है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है वो जगह है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये जो रिएक्शन आपने लिखा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो पहला स्टेप होता है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। वो रेस्पिरेशन नहीं होता एक्चुअली, वो सिर्फ ब्रीदिंग होती है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हम एटमॉस्फेयर की एयर को अपने एल्विलाई में पहुंचाते हैं, एटमॉस्फेयर की एयर को हम अपने एल्विलाई में पहुंचाते हैं, इसलिए उसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, न कि वो रेस्पिरेशन होता है। तो
तो ये एक बेसिक सी बात है, जब ये काम हो जाता है इससे एटीपी की एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो एक तो इससे बॉडी की एनर्जी गेन होती है, ये देखिए, एक तो बॉडी से को एनर्जी गेन होती है और दूसरा जो होता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में मदद करता है। अगर कहीं पर चोट लगी हुई है तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो इसी प्रक्रिया से होती है। मतलब अगर टिश्यूज की रिपेयरिंग होनी है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो वो काम कहाँ से होगा? सिमिलर रिस्पिरेशन से होगा। आइए इसके स्टेप देखा जाए और सीखा जाए। आपको मैं एक बार बार बता देता हूँ कि रिस्पिरेशन की रियल मीनिंग क्या है। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये सेलुलर रिस्पिरेशन है। ये प्रक्रिया हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है सीट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन है, जहां पर सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। आप सारे लोगों को पता होगा इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये देखिए, तो पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब हुआ कि ये एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। किसका प्रोडक्शन कर रहा है? ये एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन है। अब आइए स्टेप देखा जाए। अगर आप रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखें तो रेस्पिरेशन में टोटल स्टेप्स 5 होती हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप ये है कि जब हम फेफड़े पढ़ते हैं, लंग्स पढ़ते हैं, तो लंग्स की जो यूनिट होती है उसे एल्वियोलाई कहते हैं। ये लंग्स की यूनिट है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। हमारे फेफड़े में लगभग 300 मिलियन जो है एल्वियोलाई है, और इन एल्वियोलाई में एटमॉस्फेयर से गैसेस आती हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ये इस एल्वियोलाई में आती है। एटमॉस्फेरिक एयर इस एल्वियोलाई के अंदर आती भी है, और जब आती है तो इसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब लौट के जाती है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये है 159 mmHg का पार्शियल प्रेशर, और इस एल्वियोलाई में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा जाए तो ये है 104 mmHg का। ये देखिए, सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट समझें कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, इसलिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन मूव करके एल्वियोलाई में आती है। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें, तो ये देखिए, ये हो जाती है 0.3 mmHg का पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो ये हो जाता है 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो CO2 होगी वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी। ये पहला स्टेप होता है। अगर आपको स्टेप लिखना होगा तो आप लिखेंगे, पहला स्टेप है ये। NCERT ने 5 स्टेप दे रखे हैं, इसलिए आप 5 स्टेप को ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। पहला जो है वो है कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। पहला स्टेप, कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू कहां पे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड वाइशी वर्षा। वाइशी वर्षा मतलब क्या हुआ? एल्वियोलाई में आएगी भी, एल्वियोलाई से जाएगी भी, और प्रक्रिया कौन होगी? अगर आपसे मैं पूछूं प्रक्रिया कौन होगी तो आप कहेंगे सर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सेंस है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ, आप ध्यान से देखें तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, और इसलिए यहाँ एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी, एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है, जबकि बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg है। इसी इसका एक डाटा दिया हुआ है। इस तरह से O2 से एल्वियोलाई के अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। इस पहले स्टेप को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में मतलब जिसमें सांस अंदर आती है और सांस बाहर जाती है। जब सांस अंदर आती है तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, सांस जब बाहर जाती है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। सारे लोगों ने आपने पढ़ा होगा, मेरे तमाम वीडियोस में आप देखे होंगे कि ये 4 चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का।
ये पहला है राइट आर्किल, दूसरा है लेफ्ट आर्किल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर है हार्ट के। अब इस हार्ट में बॉडी के टिश्यूज से, ये बॉडी के टिश्यूज हैं, इन बॉडी के टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके आ रहा है। ये ब्लड आ रहा है राइट आर्किल में, ये जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड में CO2 का लेवल हाई है। राइट आर्किल में ये आया हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल का ये ब्लड मूव करके हमारी एल्वियोलाई के बगल से पास करता है, इस तरह से पास करता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट आर्किल में आता है, लेफ्ट आर्किल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर से टिश्यूज के लिए पंप किया जाता है। अगर आप देखें तो इस लेफ्ट साइड की सर्किट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रही है, राइट साइड की सर्किट टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रही है। मतलब इस तरफ का जो सर्किट है राइट साइड की वो डीऑक्सीजनेटेड की सर्किट है, मतलब राइट आर्किल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब पूरी बॉडी से टिश्यूज से रिसीव कर रही है, राइट आर्किल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से बॉडी में पंप कर दे रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पंप कर दे रहा है। तो ये जो ब्लड है, मतलब राइट साइड का जो ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट आर्किल रिसीव कर रहा है, राइट वेंट्रिकल में दे रहा है, राइट वेंट्रिकल लंग्स के लिए पंप कर रहा है। ये ऐसा ब्लड है जिस ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इसमें CO2 हाई है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर आप इसमें देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो ये 40 mmHg का है इस ब्लड के अंदर, लेकिन अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे तो यहाँ पर 45 mmHg का है। इस तरह से देखिए इस एल्वियोलाई के अंदर CO2 जाएगी और एल्वियोलाई से इसके अंदर O2 आएगी। ये एक्चुअली दूसरा स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बिटवीन, दो लोगों के बीच में। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आ रहा है, हार्ट से, और किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देखिए एल्वियोलाई, इसके बीच में ये हो रहा है एक्सचेंज। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, मतलब इस ब्लड से एल्वियोलाई में क्या जा रहा है, इस ब्लड से एल्वियोलाई में जा रही है CO2, एल्वियोलाई से ब्लड में आ रही है क्या O2। जैसे ही O2 आती है तो इस तरफ की जो सर्किट है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। तो अगर आप तीसरा स्टेप देखें तो इसका जो तीसरा स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इसका तीसरा स्टेप है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ, एल्वियोलाई से अगर आप देखें तो टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन जा रही है, इस एल्वियोलाई से इस टिश्यूज में ऑक्सीजन यहाँ टिश्यूज के पास जा रही है, ये जो टिश्यूज है इन टिश्यूज के पास इस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जा रही है, और एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन का टिश्यूज में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 बनाती है और ये CO2 टिश्यूज से एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो रही है। मतलब इस राइट साइड के सर्किट में टिश्यूज से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन CO2 जा रही है, लेफ्ट साइड के सर्किट में एल्वियोलाई से टिश्यूज में O2 जा रही है, इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। चौथा अगर आप देखें तो जब यहाँ पर ये आती है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg है, जबकि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये देखिए आप 40 mmHg है, इसलिए इस ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस ब्लड में 40 mmHg होता है, जबकि टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 होता है, इसलिए टिश्यूज से ब्लड में CO2 जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चौथा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज, ये इसका तीसरा चौथा स्टेप है। और लास्ट में देखो बेटा ये होता है लास्ट स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं भैया ये सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब हुआ
कि जब O2 सेल के अंदर जाएगी, O2 सेल के अंदर जाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का और ये सेल CO2 का फॉर्मेशन करेगी, तो उसे सेल रिस्पिरेशन करेंगे, ATP बनाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एक बार फिर से देखें, एटमॉस्फेयर की एयर एल्विलाई में आती है, एल्विलाई की एयर एटमॉस्फेयर में जाती है, पहला स्टेप। एल्विलाई से एयर ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड का CO2 एल्विलाई में जाता है, दूसरा स्टेप। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एल्विलाई से टिश्यूज के पास, एल्विलाई से टिश्यूज के पास O2 जाती है, टिश्यूज से एल्विलाई के पास CO2 आती है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी तो टिश्यूज के अंदर जाएगी, टिश्यूज से CO2 ब्लड में आएगी, और पांचवा स्टेप है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके टिश्यूज CO2 वाटर और ATP का फॉर्मेशन करेंगे। ये टोटल 5 स्टेप हैं जिसका जिक्र NCERT ने किया हुआ है, और इस 5 स्टेप में जो मेजर स्टेप है जिसे रिस्पिरेशन हम कहते हैं, एक्चुअली वो ये स्टेप है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। इस स्टेप को हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, जो टिश्यूज के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर O2 का इस्तेमाल करके CO2 और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन 5 स्टेप को आपको 1 by 1 समझना है, सीखना है। एटमॉस्फेयर की एयर एल्विलाई में आई, एल्विलाई की एयर ब्लड में आई, ब्लड से एयर ट्रांसपोर्ट हुई, ब्लड से एयर ऑक्सीजन टिश्यूज में गई, टिश्यूज का CO2 ब्लड में गया, और इन टिश्यूज में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 का प्रोडक्शन किया। टोटल स्टेप हो गए 5। ये 5 स्टेप होते हैं जो हमारे सर्कुलेशन में मदद करते हैं, मतलब हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। क्योंकि राइट साइड का हार्ट अगर आप देखें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और रिसीव कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए इस तरह के हार्ट को हम लोग पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। ऐसा हार्ट, मतलब राइट साइड का हार्ट अगर आप देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप भी कर रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट आर्टिकल देखें और लेफ्ट वेंट्रिकल देखें, तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, इसलिए इस हार्ट को हम लोग सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। ये देखिए, सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। तो ये राइट साइड का हार्ट हो गया और ये लेफ्ट साइड का हार्ट हो गया। जो राइट साइड का हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके पंप कर रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके उसी को पंप कर रहा है। तो ये 5 स्टेप हैं रिस्पिरेशन के जिन्हें आपको सीखना है, ताकि आपसे किसी तरह से कोई गलती ना हो, और 5 स्टेप 1 by 1 आपको अच्छे से आना चाहिए। रियल रिस्पिरेशन ये 5 वाला स्टेप होता है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। बेटा देखो, पूरे एनिमल किंगडम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने लिखा है, पूरे फाइलम पॉरीफेरा से लेके कॉर्डिटा तक ढेर सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिन्हें नेचर ने जनरेट किया, बनाया। जिसे देखें अगर आप इस बात को समझें कि देखिए, जैसे ये स्पंजेस हैं, स्पंजेस आपको पता होगा ये फाइलम पॉरीफेरा है, दूसरा फाइलम है सिलेंटेटा का। तो अगर आप फाइलम सिलेंटेटा देखें, और सिलेंटेटा हो गया, स्पंजेस हो गया, इसके सिवा फ्लैट वाल्व्स हो गए, ये देखिए फ्लैट वाल्व्स हो गए, तो इनमें जो रिस्पिरेशन होता है ये रिस्पिरेशन जो है डायरेक्ट रिस्पिरेशन होता है पॉरीफेरा में, सिलेंटेटा में और फ्लैट वाल्व्स में जो रिस्पिरेशन होता है, ये तीनों रिस्पिरेशन जो होते हैं बाई बॉडी सरफेस होता है, मतलब बॉडी की सरफेस के द्वारा ये रिस्पिरेशन होता है, ये बाई बॉडी सरफेस। जब बॉडी सरफेस पे डायरेक्ट ऑक्सीजन मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, सीधा एक्सचेंज हो जाता है। जब बॉडी सरफेस के द्वारा रिस्पिरेशन होता है तो इस तरह के रिस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस अगर टर्म लग जाता है तो हमेशा स्किन के लिए लगता है। ये देखिए सीधा रिस्पिरेशन है, मतलब स्पंज में, सिलेंटेट्स में, फैट वाल्व में जो रिस्पिरेशन है वो स्किन के द्वारा है, सीधा है, बाय डिफ्यूजन के द्वारा वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी के आता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा देखें कि अगर आप इसके सिवा देखें, सिलेंटेट के बाद टीरोफोरा फ्लैटी हेलमेंट इसके हेलमेंट एनिडा में देखें, अगर आप एनिडा में देख रहे हैं, इसमें अर्थवार में देखिए, अर्थवार में अगर आप रिस्पिरेशन देखिए, मतलब अर्थवार में आप समझ रहे हैं, अर्थवार के जुए में, तो यहाँ क्यूटिकल के द्वारा है, मतलब क्यूटिकल के द्वारा रिस्पिरेशन हो रहा है। आप कह सकते हैं सर वही बात हुई, स्किन द्वारा ही हुई, चाहे क्यूटिकल कहें चाहे स्किन कहें, एक ही चीज हुई, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर इसके सिवा आप देखें तो रिस्पिरेशन गिल्स के द्वारा हो रहा है। ये गिल्स जो होती हैं,
ये वेस्कुलराइज्ड होती हैं। वेस्कुलराइज्ड किसी को तब कहा जाता है जब उसमें ब्लड की सप्लाई हो। यहाँ वेस्कुलराइज्ड का मतलब है किसकी सप्लाई, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई है, इसीलिए इसे गिल्स कहा जा रहा है। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कहाँ होता है? आप कहेंगे सर फिशेस में जो रेस्पिरेशन होता है, फिशेस में ये रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और एक जगह और पे रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा, अगर आप देखें लार्वी ऑफ एम्फीबिया, या लार्वी ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के जो लार्वा होते हैं उनमें भी रेस्पिरेशन का जो मेजर साइट है वो गिल्स होती है। तो पहला ऑर्गन हो गया जहाँ बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है, गिल्स के द्वारा हो रहा है। ये दूसरा तरीका हो गया क्यूटिकल के द्वारा हो रहा है, गिल्स के द्वारा हो रहा है। अगर देखिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रैकिया पाए जाते हैं, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर ये ट्रैकिया जो है खास तरह की ट्यूब होती है जो बॉडी के अंदर पड़ी होती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और ये होता है इंसेक्ट्स में, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ये ट्यूब पड़ी होती है। जैसे एक नाम देखिए, काकरोच का नाम देखें, आपको सिलेबस में इसको पढ़ना भी है, तो काकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। इस ट्रैकिया की ओपनिंग को स्पायरिकल्स कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई डाउट हो तो आप इसे समझ लें कि जो ये ट्रैकिया होती है इसकी ओपनिंग को, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को हम लोग स्पायरिकल्स कहते हैं। स्पायरिकल्स, ये देखिए आप ट्रैकिया की ओपनिंग को हम लोग स्पायरिकल्स कहते हैं। तीसरा जो रेस्पिरेशन है, एक और ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन करता है, तो ये देखिए एडल्ट एम्फीबियंस में देखें, एडल्ट एम्फीबियंस मतलब वो एम्फीबियंस जो बड़े हो गए हैं, ये देखिए एडल्ट एम्फीबियंस पूरे के पूरे रेप्टाइल्स जो जमीन पे आ गए हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ये देखिए बर्ड्स हो गई, एवीज हो गई, और ये मैमल्स हो गए। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन होता है बाय लंग्स, मतलब फेफड़े जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है। जब फेफड़ों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है तब इस रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनिमल किंगडम में अगर आप देखें तो बहुत तरीके हैं रेस्पिरेशन के, ढेर सारे ऑर्गन से जो रेस्पिरेशन मदद कर रहे हैं। देखिए बॉडी सरफेस के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, और मैमल्स के पास तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये एक चीज और आप देखें, जो फ्रॉग जो होता है, मतलब एम्फीबियन है ये, जब ये टेरेस्ट्रियल मोड में रहता है, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल मोड मतलब हुआ जब ये जमीन पर रहता है, तो ये देखिए फ्रॉग ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के द्वारा। वाटर में रहता है तो स्किन के द्वारा करता है, मतलब फ्रॉग जो है स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है। लेकिन मेजर जो ऑर्गन है, पहले डायरेक्ट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। ये ढेर सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो एनिमल किंगडम में अलग अलग कंडीशंस में पाए जा रहे हैं। तो आपको याद करना है बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकिया, लंग्स, ये चार ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फाइलम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। ये बात आपको सीखनी है। एडल्ट एम्फीबियंस फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स में, मैमल्स में लंग्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अब आप लोगों को ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम सीखना है। बेटा देखो, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दो चीजों को बना, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और दूसरा फेफड़े है। फेफड़े जो है मनुष्य में वन पेयर फेफड़े हैं, तो एक जोड़ी फेफड़ा है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इससे एयर जो है नोज से एल्वियोलाई में जाती है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक की ओपनिंग को एक्सटर्नल नॉस्टल्स कहते हैं, इनकी संख्या दो होती है। इस एक्सटर्नल नॉस्टल्स एयर वेस्टिब्यूल में जाती है अंदर, फिर नेजल चैम्बर में जाती है, इंटरनल एयर्स में जाती है, नेजल फेरिंग्स में, फेरिंग्स में। अगर आपको पता होगा तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का, मतलब इनसे दो चीज़ें पास होती हैं। ये डाइजेशन वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर लैरिंग्स से प्रोग्राम शुरू होता है। लैरिंग्स की ओपनिंग को, मतलब जो ट्रैकिया है उसकी ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं।
आगे यहाँ इसके आगे एनसीईआरटी ने फिगर बना रखा है, ये एयर का जो है कंडक्टिंग जोन है, मतलब जिससे एयर पास हो रही है। तो अगर आप फिगर देखेंगे एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी ने फिगर को यहाँ से बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये एक फिगर बना रखा है और इन्होंने लिखा है भाई ये लैरिंग्स है। आपको पता होगा लैरिंग्स जो है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, मतलब इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ये आप कह सकते हैं। हम जो आवाज़ बोल रहे हैं, जो आवाज़ हमारी बॉडी से निकल रही है, वो लैरिंग्स का कमाल है। इस लैरिंग्स की ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, और इस ग्लॉटिस पे एक खास तरह का थिन कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसको कवर रखता है। इस लैरिंग्स के बाहर एक खास तरह की ट्यूब निकलती है, इसे इस ट्यूब को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये देखिए, ये ट्यूब है, इसे विंड पाइप कहते हैं, या इसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये इसका नाम ट्रेकिया हो गई, ये ट्रेकिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे सीक्वेंस क्या होगा, तो ग्लॉटिस लैरिंग्स के ऊपर है, ओपनिंग है, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, और ट्रेकिया से एयर अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर आपको ट्रेकिया के बारे में लिखना है, तो ये ट्रेकिया आगे चल के, ये देखिए, फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे ये ट्रेकिया आगे चल के फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे जाके ब्रेक कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, और जब ब्रेक करती है तो इसका नाम हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे ब्रेक हो जाती है, मतलब ये ट्रेकिया है जो इसे नीचे चली जा रही है, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे में आके ये दो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में ब्रेक कर जाती है। इस जगह पे अगर आप देखें, एक प्राइमरी ब्रोंकियोल ये है और दूसरा प्राइमरी ब्रोंकियोल ये है, तो इसका ये जो ब्रेकेज है, ब्रेकिंग जो है, वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे होता है। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। और ब्रेक किसने करती है, अगर आपको इसका सीक्वेंस बनाना है, तो आप कहेंगे सर ट्रेकिया जो है ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रे पे जाके किस पे टूट जाती है, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स पे टूट जाती है, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में ब्रेक कर जाती है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में ब्रेक कर जाते हैं। रिपीटेड डिवीजन एनसीईआरटी लिखा है, ये देखिए, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स टर्शियरी ब्रोंकियोल्स पे ब्रेक कर जाते हैं, ये देखिए, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स टोटल ब्रोंकियोल्स ब्रेक कर जाते हैं। फिगर में आपको बना के दिखाता हूँ, टोटल ब्रोंकियोल्स ब्रेक कर जाते हैं, टोटल ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में ब्रेक कर जाते हैं। ये लगातार जैसे एक ट्री होती है, कोई पेड़ है, जैसे उसकी ब्रांच ब्रेक होती है, ऐसे ये ब्रेक होता है, क्योंकि सारे नाम ब्रोंकियोल से जुड़े हुए हैं, इनका ब्रेकेज है, इसलिए इसे लोग ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। ये देखिए, इस ट्री को हम लोग ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, ये ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है। अभी आप देखें, इस लैरिंग से लेके यहाँ टर्मिनल ब्रोंकियल तक एयर केवल कंडक्ट हो रही है, मतलब ये पूरा कंडक्शन जोन है, ये पूरा कंडक्शन जोन है, इसमें सिर्फ एयर कंडक्ट कर रही है, मूव कर रही है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और इस तरह से अगर आप देखें, इसको ब्रेकेज बनाएं, यहाँ पर एक फेफड़ा इस तरफ बना दें, इस तरह से फेफड़े बना दें, और इस तरफ फेफड़ा एक बना दें, और इसमें देखें आप, इसमें दो चैम्बर बना दें, डिटेल सिखाऊंगा। इस राइट वाले में आपको तीन चैम्बर दिखाना पड़ेगा। अगर आपको नाम लिखना है, तो ये प्राइमरी हो गया, फिर से ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, फिर से फर्दर ब्रेक कर जाएगा, इस तरफ आप देखें, तो इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकियोल हो गया। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख रहे हैं, सब ब्रोंकियोल्स के नाम है, सब ब्रेक कर जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, टर्शियरी किस में ब्रेक कर जाएगा, टोटल में ब्रेक कर जाएगा, और इस तरह से फाइनली अगर हम आपसे बोले, तो हमें वो पैकेज मिलेंगे जिसकी हमको डिस्कशन करना है। इस तरह से ये फेफड़े के अंदर ब्रोंकियाई ब्रेक कर जाती हैं, सिक्वेंस मैंने लिख दिया है, ये ऐसे फेफड़े के अंदर एयर ब्रेक कर जाती हैं। अगर आप समझना चाहें, यहां देख लें, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकियोल में, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी टोटल में, टोटल टर्मिनल ब्रोंकियोल में ब्रेक कर जाती है, और फिर जिसका हमें इंतजार है, फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में खुलती हैं। ये देखिए, एल्वियोलाई में खुलती हैं। इस एल्वियोलाई को हम लोग रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो इसी एल्वियोलाई के अंदर होता है, चाहे इसे रेस्पिरेटरी कहते हैं या
इसे एक्सचेंज जोन कहते हैं, मतलब जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज इसी एल्वेओलाई के अंदर होता है जो फेफड़े की यूनिट बनाती है। इसका मतलब दूसरा ये भी हुआ कि एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तब क्या होता है, टर्मिनल एक्सटर्नल नॉस्टिल से टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक एयर का केवल कंडक्शन होता है। एयर का क्या होता है, कंडक्शन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका तीन, इसका यहां से लेकर एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर टर्मिनल ब्रिंक्यूल सीक्वेंस देख लें, एक्सटर्नल नॉस्टिल से वेस्टिबल, वेस्टिबल से नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से इंटरनेयर्स, नेजल फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रिंक्यूल, टोटल ब्रिंक्यूल, टर्मिनल ब्रिंक्यूल और एल्वेओलाई, तो ये सारे लोग मिलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं और एक्सचेंज करता है एल्वेओलाई। तो अगर आप देखें तो ये जो कंडक्शन जोन है, ये कंडक्शन जोन एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेके टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक है, और ये जो है एक्सटर्नल नॉस्टिल्स, ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज का बना है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ है, पूरा का पूरा मतलब सी शेप्ड कार्टिलेजिनस का ये रिंग बना हुआ है जो आप ब्रोंकियल ट्यूब वगैरह पढ़ रहे हैं इसके। तो अगर आपसे पूछो एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेके टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक फंक्शन क्या है इसका, तो आप कहेंगे सर इसके तीन फंक्शन क्या है, तीन फंक्शन कौन कौन से हैं, तीन फंक्शन अगर आप देखें तो पहला होता है कि एटमॉस्फेयर की एयर कि ये पहुंचा कहाँ रहा है, एटमॉस्फेयर की एयर को ये एल्वेओलाई में पहुंचाना चाहता है, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेके टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक, क्योंकि इसका फंक्शन लिखा हुआ भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, एल्वेओलाई तो गैसेस एक्सचेंज करती है, तो एक्सटर्नल नॉस्टिल से टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक फंक्शन क्या है, पहला है एटमॉस्फेयर की एयर को एल्वेओलाई तक पहुंचाता है, दूसरा क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसे ये जो है मूव करके बाहर कर देता है, निकाल देता है। ये मेनली काम जो होता है इसी कंडक्टिंग जोन का है, एक्सटर्नल नॉस्टिल से टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक का फंक्शन है एटमॉस्फेयर एयर को एल्वेओलाई तक पहुंचाना, दूसरा बड़ा फंक्शन है फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना, तीसरा फंक्शन आप देखें लीडिंग बॉडी टेम्परेचर, देखिए ये एयर को, जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर के नजदीक लाता है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं सर ये तो बॉडी का पूरा जो है एक तरह का एसी सिस्टम है, तो एयर मूव कैसे करती है एक बार फिर से देख लें, एक्सटर्नल नॉस्टिल से वन एयर है उस वेस्टिबुल में एयर जाती है, वेस्टिबुल से नेसल चैम्बर में, इंटरनल लेयर्स में, नेजल फेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस है ये ध्यान रखना है आपको, फिगर में भी दिखाया गया है। फिर ट्रेकिया जो है बड़ी सी ट्यूब है जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे पे जाकर प्राइमरी ब्रिंक्यूल्स में ब्रेक कर जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी टोटल में और टर्मिनल ब्रिंक्यूल्स तक, यहाँ तक कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर टर्मिनल ब्रिंक्यूल तक हम लोग इसे कंडक्शन जोन कहते हैं, और इसका एकमात्र इसके तीन फंक्शन लिखे गए हैं कंडक्शन जोन के, कौन कौन सा फंक्शन है, एक तो एटमॉस्फेयर एयर को एल्वेओलाई पहुंचाना, दूसरा अगर उस एयर में कोई डस्ट है तो उसको मूव करा देना, बाहर कर देना, और तीसरी बात है एयर को जो है बॉडी टेम्परेचर के नजदीक ले आना, एयर को बॉडी टेम्परेचर के नजदीक ले आना। अब आप यहाँ देखें ये जो एल्वेओलाई होती है वो लंग्स के अंदर ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनकी संख्या लगभग 300 मिलियन है, इन एल्वेओलाई का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज है, मतलब अगर आप समझें तो ये एल्वेओलाई जो है ये वैस्कुलराइज्ड है, किसी है वैस्कुलराइज्ड है, वैस्कुलराइज मतलब क्या हुआ, इनमें ब्लड की सप्लाई है, ये पूरा एरिया जो है इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं है, देखिए किसका बना हुआ है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेके एल्वेओलाई तक बना हुआ है। लंग्स देखा जाए, अगर ह्यूमन में देखा जाए तो लंग्स जो है ये खास तरह के केजे पड़े हुए हैं, फेफड़े को अगर देखा जाए तो ये फेफड़े जो हैं एक खास तरह के केज में हैं, जिसे अगर आप देखें तो पहली बात तो ये वन पेयर है, अगर लंग्स की बात किया जाए वन पेयर है, एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, दो तरफ फेफड़े हैं, एक राइट तरफ का एक लेफ्ट साइड का, तो ये जो है राइट साइड वाला ये थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, लार्जर होता है, इसके कंपेरिजन में ये स्मॉलर होता है, दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
इसमें देखें आप तो इसमें थ्री लोब होते हैं लंग्स में, अगर आप देखेंगे तो ये थ्री लोब होता है, ये जो होता है ये टू लोब होता है, इसमें तीन लोब हैं, देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये इसमें दो लोब हैं, एक और तो दो लोब हो गए, तो इसमें देखिए थ्री लोब है टू लोब है। अगर आप फिशर देखें तो इसमें दो तरह के फिशर हैं, एक फिशर है जो ऑब्लिक है और दूसरा फिशर है जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये देखिए ये तो फिशर, फिशर वो चीज़ होती है जो डिवाइड करती है, ये देखिए मतलब अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है जो एक डिवीजन दे रहा है, इसका एक पार्ट बना रहा है, और इसका अगर आप लिख रहे हैं तो ये ऑब्लिक है, मतलब ये फिशर है, इस तरफ वाला ये जो है ये ऑब्लिक फिशर ही होता है, ये ऑब्लिक फिशर होता है। तो इस तरफ राइट वाले में दो फिशर हैं लेकिन लेफ्ट वाले में एक ही फिशर है जिसका नाम ऑब्लिक फिशर है। ये तो इसमें दो लोब हो गए और इसमें तीन लोब हो गए, ये फेफड़े में दूसरा डिफरेंस आया। यहाँ देखिए एक खास तरह का नोज होता है हार्ट के अंदर, इस नोज को कार्डियक नोज कहते हैं, इसी कार्डियक नोज के अंदर हार्ट रहता है। तो अगर हम आपसे पूछे कार्डियक नोज किस तरफ है, आप कहेंगे सर ये कार्डियक नोज जो होता है ये लेफ्ट लिंग में होता है, जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है उसमें है, इसमें कार्डियक नोज अब्सेंट होता है। इस फेफड़े के ऊपर एक खास तरह की मेम्ब्रेन है, इस फेफड़े के ऊपर एक खास तरह की मेम्ब्रेन, अगर आप देखें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है जो इससे जुड़ा हुआ है, ये एक खास तरह की मेम्ब्रेन है, इससे एक दूर मेम्ब्रेन है, सेम इस भी स्थिति वही है, ये देखिए एक इससे जुड़ा हुआ पार्ट है मेम्ब्रेन है और इससे थोड़ी सी दूर है। अगर इन मेम्ब्रेन्स का आप नाम देखें तो जो बाहर है उसका नाम पेराइटल है, इसका नाम पेराइटल है, और जिससे जुड़ी हुई है उसका नाम विसरल है, विसरल है, सामान्यतः इसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लंग्स के ऊपर एक खास तरह की मेम्ब्रेन है जिन्हें हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये और इसमें ये जो स्पेस है इसमें खास तरह का फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूड को हम लोग, ये आप जो देख रहे हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूड है, इस फ्लूड को हम लोग प्लूरल फ्लूड कहते हैं। ये देखिए प्लूरल फ्लूड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लूरल मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है, आप कहेंगे सर इसमें दो मेम्ब्रेन है, एनसीईआरटी ने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लिखा है, मतलब लंग्स के ऊपर दो प्लूरल मेम्ब्रेन है जो लंग्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको रिमूव करने का काम करती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका नाम काम भी लिख सकते हैं, रिमूव फ्रिक्शन, जिसमें लंग्स बैलून जैसे फूलते हैं तो जो फ्रिक्शन आता है उसको रिमूव करने का काम जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन करती है। चलते चलते एक बात आपको और सीखनी है इस क्लास की, ये देखें आप अगर आप देखें तो इस लंग्स के नीचे एक खास तरह के स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम डायाफ्राग्म है। ये डायाफ्राग्म मसल्स का बना होता है, वॉलंटरी मसल्स का, ह्यूमन का करेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ये लंग्स जो है खास तरह के केज से बंद है, उस केज का नाम अगर आप देखें तो उस केज का नाम थोरेसिक केज है, इसी के अंदर ये एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर मतलब अगर आप इस केज के अंदर किसी नीडल से पंच करें तो सारी एयर फेफड़े की बाहर हो जाएगी। अगर आप डॉर्सल साइड देखें, इस थोरेसिक केज का अगर आपसे कोई पूछे कि डॉर्सल साइड में क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके डॉर्सल साइड में वर्टिकल कॉलम है पीछे की तरफ जो इसको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किसको, इस फेफड़े को पीछे से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप इसके वेंट्रल साइड को देखें, मिड वेंट्रल साइड को, तो चेस्ट की एक हड्डी है इसका नाम स्टर्नम है, ये मिड वेंट्रल होती है, वेंट्रल के बीचों बीच होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। और इसके लेटरल साइड में अगर आप देखें, लेटरल साइड में, तो इसके लेटरल साइड में जो होता है वो रिब्स पाई जाती है। ये रिब्स ह्यूमन में 12 पेयर है, अगर आप देखें तो सारे बोनी पार्ट हैं, बोन्स के बने हैं,
डार्सल साइड वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, लेटरल साइड में रिब्स, और ये देखो बेटा इसके लोअर साइड में एक खास तरह का स्ट्रक्चर पड़ा है। इस स्ट्रक्चर का नाम आप देखिए डायफ्राम है। ये डायफ्राम जो है मस्कुलर पार्ट है, मतलब आपको समझना है कि ये मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर होता है जो हमारे इंस्पिरेशन में मदद करता है। तो ये चार लोग हैं जो फेफड़े को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ से, यहाँ साइड से स्टर्नम, मतलब मिड वेंट्रल ये स्टर्नम बीच में जो है, और ये लेटरल साइड में रिब्स है, और नीचे साइड ये जो है ये डायफ्राम है। अगर डायफ्राम का कोई शेप पूछे तो बोले सर ये तो डोम शेप्ड है। किस तरह का शेप है इसका? डोम शेप्ड है। और इस तरह से एनसीईआरटी ने इस थोरेसिक केज का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। थोरेसिक केज मतलब जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड है, और प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी है? दो है। जो इससे जुड़ी हुई उसका नाम विसरल है, जो उससे थोड़ी सी दूर है उसका नाम पेराइटल है। अगर इस प्लूरल मेम्ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग प्लूरिसी कहते हैं। ये देखिए बीमारी का नाम प्लूरिसी होता है। इस इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसको पेन होता है। तो दो प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, और ये चार तरह के प्रोडक्शन की बात हो गई, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड से स्टर्नम, लेटरल साइड से रिब्स, और लोअर साइड में डायफ्राम से प्रोटेक्ट कर रहा है।